मुझे पता था आज, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। मुझे पता था जब आपका गुस्सा उतर जाएगा ना, तो आप वही हाजिर होंगे, वही हाजिर से अपनी परवरजा की वफा पे, उसकी मोहब्बत पे, उसके किरदार की सच्चाई पे पूरा यकीन है ना। तुम्हारा अंदाजा गलत था। नहीं, मैं वो हाजिर है जो मोहब्बत का तीजा उठाए सर पर घूमता था, और नहीं तुम वो पलवशा जिसके किरदार पर जब बात होती थी तो मैं दुनिया से लड़ जाता था। क्यों आए आप यहां? तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने। मेरे दिल के दरवाजे तुम पर बंद हो चुके हैं। और हाँ, वो मेरे खानदान में तलाक की रिवायत नहीं थी ना, मैं उसे तोड़ दूंगा। आपको पता है कितनी बड़ी बात कह रहे हैं आप? हाँ जानता हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे धोखे से बड़ी बात नहीं है। मैंने नहीं दिया धोखा, मैं कह के थकी हूँ, मैंने कोई धोखा नहीं दिया आज़र, मैंने नहीं दिया। सजा सुनाने से पहले मुलजिम को एक बार बोलने का हक दिया जाता है। आपको मेरा सच भी सुनना पड़ेगा। क्यों सुनूं मैं? अब क्यों सुनूं मैं तुम्हारा सच? जब चीख चीख कर मैं तुमसे पूछ रहा था क्या बात है, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे बलवशा, तब कहां था तुम्हारा जवाब? समीर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था सर, मुझे डर था कि कहीं आप उसे जान से ही ना मार दें, आपका घर बर्बाद हो जाता सर, आपको फांसी हो जाती। 4 महीने से तुम और समीर चूहे बिल्ली का खेल खेलते हो, मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे, और अब मुझे कह रही हो कि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था। अरे क्या था उसके पास ऐसा जो वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था? क्या था? तुम्हारी तस्वीरें या वो कालें जो तुमने उसको की थी मुझसे छुपकर? वो सारी तस्वीरें उसने मेरी बेध्यानी में खींची थी। मैंने कोई तस्वीर नहीं दी उसको, मैंने कुछ भी नहीं दिया था। याद है अदील साहब के पास मिलने गई थी या फिर समी से रेस्टोरेंट में मिलने गई थी? हाँ बोल दो, ये भी झूठ है। वो वाहिद झूठ जो मैंने आपसे बोला था। तुम्हें हर झूठ पर यही लगेगा कि वो वाहिद झूठ था जो तुम मुझसे कहोगी, क्योंकि हर बार झूठ भी अलग और मौका भी अलग। और मैं वही गुंडा आज़र खान जिससे तुम्हारी जबरदस्ती शादी हुई थी। सही थी साइमा, सही कह रही थी, बिल्कुल सच थी उसकी बात कि तुम समी को पसंद करती थी। बहुत आनंद लगा कि अपनी परवरिशा को जिंदा दरगुआ मत करें आज़र। समीर ने आपको वही रुख दिखाया जो आपको दिखाना चाहता था। वो इसी मंसूबे से हमारे घर में आया था, इसी मंसूबे से आया था कि आपको मुझे अलग कर देगा। एक चोर तुम्हारे दिल में था और एक चोर उस घर में, नकब कैसे ना लगती? सबसे ज्यादा समी की तुमने हिमायत की थी उस घर में रखने के लिए, याद है? और वो चाय गिरी नहीं थी, गिराई गई थी उसके हाथ पर तुम्हारी तरफ से। नाराज मैं था,
मैं था ना नाराज, कॉल उसको कर रही थी बाहर बुलाकर बात करने के लिए। अरे मोहब्बत में अंधा था मैं, तुमने मुझे अंधा ही समझ लिया। कसम मत खाना मेरे सामने, कसम खाने वाले मेरे को झूठे लगते हैं। और जहां तक रही मेरे नाम की, मर गया हाजिर। आप तो कहते थे कि मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती, और इश्क का जर्फ वसी होता है, इतना वसी के महबूब के सारे ऐब छुप जाते हैं। मैं तो अब भी यही समझता हूं, मगर तुमने मुझे यकीन दिला दिया कि मोहब्बत की उम्र भी होती है और एक्सपायरी डेट भी। मोल भाव करने वाला दुकानदार तो मैं था, मोहब्बत में सौदेबाजी तुमने कर ली। मर गया हाजिर, हाजिर की मोहब्बत भी।